हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल शेफ डे। एंड सेकेंडली, आज मैं नवरात्र स्पेशल के अवसर पर बना रहा हूँ मलाई हलवा। जी हाँ, मलाई हलवा। अब आप आके देखिए कि कैसे बनाते हैं। सो इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार से हैं: 200 ग्राम ऑफ मलाई, 200 ग्राम ऑफ शुगर, 160 ग्राम ऑफ सूजी, वाटर इज 4 times ऑफ सूजी विच इज 640 ml, ग्रेटेड कोकोनट, रोस्टेड आलमंड्स एंड कार्डिमम पाउडर। सो यहाँ पे दोस्तों आपको एक पैन लेना है। मैंने नॉनस्टिक लिया, आप नॉर्मली पैन ले सकते हैं। सो आप उसके अंदर अपनी क्रीम को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आप अपनी क्रीम को ऐड करिए एंड उसको लिक्विड की कंसिस्टेंसी तक अच्छी तरीके से गर्म करें। आपको उसको बॉयल नहीं करना है, ना ही इसको आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। बस आपको उसको तब तक करना है जब तक कि लिक्विड में सॉल्यूबल नहीं हो जाती क्रीम अच्छी तरीके से। एंड अब आप हमारी लिक्विड हो चुकी है, सो आप इसमें अपनी सूजी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी 160 ग्राम ऑफ सूजी को डाल दिया है और आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स करिए क्रीम के साथ। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे सूजी जो है क्रीम को एब्जॉर्व कर रही है, क्योंकि सूजी के अंदर एब्जॉर्बिंग पावर काफ़ी होती है। बट नो वरीज, हमको इसको भूनना है और ये जैसी जैसी भूनती रहेगी वैसे वैसे ही क्रीम को छोड़ती रहेगी, क्योंकि क्रीम एक टाइप का इसमें फैट का काम कर रहा है। सो गाइज, अब आपको यहाँ पे अपनी सूजी को कंटिन्यूसली भूनना है एंड आपको उसको एक सेकंड के लिए भी चॉप नहीं करना है, वरना वो जल जाएगी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फ्लेम एकदम मीडियम पे है, आपको हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। अगर आप हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो उसका कलर एकदम टैन हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे आपको सूजी भूनने का भी एक मेथड यूज़ करना है। उसके लिए आपको सूजी को स्पैचुला की मदद से क्रश करते हुए भूनना है। जैसे कि मैं इस टाइम क्रश करते हुए भून रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से भूनना है। इससे ये होता है कि सूजी काफ़ी अच्छी तरीके से भुन जाती है। एंड आपको अपने सूजी को बेस पे टच करना ही नहीं है, वरना वो जल जाएगी। आपको उसको कंटिन्यूस हिलाते रहना है। इफ़ अगर आप उसको बेस पे टच करेंगे तो वो आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरी सूजी भुन रही है। इसको भुनते हुए कम से कम 7 मिनट हो गए हैं एंड अब मैं इसको 7 मिनट तक और भूनूंगा। सो गाइज, मैंने इस हलवे का नाम मलाई वाला हलवा इसलिए रखा है क्योंकि ये स्टार्टिंग तो मलाई से होता है एंड एंड में जब टेस्ट होता है तो बिल्कुल भी सेम मलाई जैसा ही टेस्ट लगता है। इसमें ऐसा कुछ सूजी का हलवा वाला टेस्ट नहीं आता। आप लोग बोलेंगे कि सूजी की हलवे की तरह प्रिपेयर करा है, बट ये टोटली डिफरेंट है सूजी के हलवे से, क्योंकि उसमें हम घी से भूनते हैं, इसमें हम मलाई से भून रहे हैं। सो इसमें टेस्ट में काफ़ी डिफरेंट आता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको क्रश मेथड से भून रहा हूँ। क्रश मेथड काफ़ी इफेक्टिव है सूजी का हलवा बनाने में। सो गाइज, यहाँ पे अभी सूजी जो है 80% तक भुन चुकी है और अभी हम इसको 20% और भूनेंगे। एंड अब आप देख सकते हैं कि हमारी सूजी जो है थोड़ा सा फैट छोड़ ली है। फैट ये अपनी क्रीम का छोड़ लिया है। इसके अंदर मैंने कोई एडिशनल घी या कुछ नहीं डाला था, जो मैंने क्रीम डाली थी वो ही इसके अंदर से निकल रही है। एंड अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे 20% तक। सो यहाँ पे अभी 20% तक और भुन चुकी है। एंड अब आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी अच्छी तरीके से निखर के आ चुका है एंड ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर भी है। सो अभी बिल्कुल परफेक्टली रेडी है इसका आगे का प्रोसेस, यानी कि पानी मिलाने के लिए। सो यहाँ पे अब आप पानी डाल दीजिए अपनी सूजी में। यहाँ पे जो मैंने पानी डाला है सूजी के रेशो से 4 मल्टीप्लाई कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 160 ग्राम सूजी ली थी, सो यहाँ पे आप 640 ml ऑफ वाटर डाल दीजिए। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है इस हलवे के लिए। इससे ना ही ज़्यादा लिक्विड बनेगा और ना ही ज़्यादा थिक बनेगा हलवा हमारा। कंसिस्टेंसी बिल्कुल मॉडरेट रहेगी। एंड यहाँ पे अब आप इसको थोड़ा सा स्टर करिए फॉर अबाउट 2 to 3 minutes। एंड आपको इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। सो गाइज, अब आप देख सकते हैं हमारे हलवे की जो कंसिस्टेंसी है कंपेयरिंग टू पहले वाले काफ़ी थिक हो चुकी है एंड ये बिल्कुल मॉडरेट कंसिस्टेंसी है हलवे के लिए। सो आपको इसी कंसिस्टेंसी पे रखना है। एंड अब आप देख सकते हैं हमारे जो हलवा है इसके अंदर से बबल्स निकल रहे हैं। बबल्स निकलने का मतलब है अब आप इसके अंदर अपनी शुगर को ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसके अंदर अपनी 200 ग्राम्स ऑफ शुगर को ऐड कर दिया है। एंड अब आप इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए हलवे के अंदर। एंड अब यहाँ पे चीनी अच्छी तरीके से मिल चुकी है हलवे के अंदर और ये प्रॉपरली सॉल्युबल हो चुकी है। सो अब यहाँ पे आप अपने हलवे को 2 to 3 minutes तक भूनें, उससे ज़्यादा ना भूनें, वरना आपकी हलवे की कंसिस्टेंसी हार्ड हो जाएगी। एंड अब यहाँ पे मैंने उसको 2 मिनट भून लिया है। सो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें से बबल्स आने लगे हैं। सो इसकी पहचान ये हो चुका है, अब आप इसको और ना भूनें। सो अब आप इसमें अपना ग्रेटेड कोकोनट को ऐड कर लीजिए। इसके बाद आप अपने रोस्टेड आलमंड्स को डाल दीजिए एज वेल एज़ आप अपने कार्डिमम पाउडर को भी ऐड कर दीजिए। सो यहाँ पे दोस्तों अब आप इसको प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए एंड ये आपकी चॉइस है। अगर आप इसमें रोस्टेड आलमंड्स नहीं डालना चाहते तो आप नॉर्मल आलमंड्स भी क्रश करके डाल सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। बट मेरी प्रेफरेंस है कि आप रोस्टेड आलमंड्स ही डालें, टेस्ट बेटर करता है। एंड यहाँ पे अभी गाइस प्रॉपरली रेडी है। सो गाइस, सर्व इट विथ
lots of love means LOL. And don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel Cooking Fever. You can also follow me on Instagram and Facebook. The link is in description. Thank you guys.